सरपंची उम्मीदवार दा प्रचार करके आ रहे नौजवान दा कीता कतल। बाइक सवार हमलावर ने गोलियां मार के ले ली जान। पंचायती चोणा दौरान एक होर शख्स दे कतल दा मामला सामने आया, जिथे यह सरपंची उम्मीदवार दा प्रचार करके वापस जा रहा सी तां बाइक सवार हमलावर ने गोलियां मार के इस नौजवान दा कतल कर दिता। दस दिए कि मामला फरीदकोट तो सामने आया, जिथे पिंड हरी नौ विखे गुरप्रीत सिंह नामक नौजवान पंचायती चोणा च सरपंची उम्मीदवार दे हक दे विच चोण प्रचार करके घर वापस जा रहा सी। तां दूसरे पास्यों एक बाइक ते सवार तीन अणपछाते बंदे आउंदे ने ते उसते ताड़ ताड़ गोलियां चला दिंदे ने, जिस दे विच गुरप्रीत नूं चार गोलियां लगदियां ने। तां हमलावर गोलियां मार के मौके तों फरार हो गए। तां जख्मी हालत दे विच गुरप्रीत नूं फरीदकोट के मेडिकल हस्पताल दे विच लिआंदा गया, जिथे डाक्टरां दे वल्लों उसनूं मृत घोषित कर दिता गया। इस मौके सुखराज सिंह ने दस्सिया कि कुछ अणपछाते बंदे बाइक ते आके गुरप्रीत दा घर पुछदे ने ते फिर उसके पिछे जाके उसते फायरिंग कर दिंदे ने। उन्हां कहा कि पुलिस नूं इस मामले दे विच गंभीरता दे नाल जांच करके कातला दा पता लगाउणा चाहीदा, तां इसदे पिछे असल दोषियां दी पहचान भी की जाए। तो उधर DSP ने मामले की जानकारी देंदे दस्सिया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है ते जल्द ही दोषियों नूं काबू कर लिया जाएगा। साडे जी साडा भरा सी गुरप्रीत हरी नौ पिंड का, जिला फरीदकोट है। तकरीबन 6:15 का टाइम है शाम का, बाहरों बंदे आउंदे, हजे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मोटरसाइकिल से तीन बंदे आउंदे आ 6:15 तो 6:30 दे विचकार दा समां है। वह सोशल मीडिया के नाते जिहड़ी उहदी आई डी चलती है, वह आई डी पुछ के भाई हरी नौ टॉक जिहड़ा मुंडा चलाउंदा उहनां दा घर किहड़ा, वह पुछदे आ। सामने वह कितें उस गली च आउंदा मिल जाता तो उत्थे दे जिहड़ा नेड़ेओं गोलियां मार जांदे आ। चार गोलियां वजदियां, चार पाँच गोलियां जिहड़ियां उहदे फायर मारदे आ छाती च ते ढिड्ड च। साडे उस भरा दी है जिहड़ी मौत हो चुकी है। असीं पंजाब सरकार नूं ते प्रशासन नूं इही कहांगे कि सानूं उह बंदे आ जिहड़े लोकां दे मूहरे जनतक चाहीदे आ, उहनां दा जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन आ उह एड्डे होणी चाहीदी आ पद्धर ते कि उहनां दे पिछे कौण आ। जो सानूं पता आ, जिन्हां बारे सानूं पता, उहनां दे नां असीं आ जिहड़े उह आपे जिहड़े प्रशासन नाल असीं राबता रखांगे, पर प्रशासन पहल दे आधार ते उहनां नूं जिहड़ा गिरफ्तार करे ते उहनां दी जिहड़ी पुछगिछ करे वी उहनां दे पिछे कौण आ ते की कारण रहे आ। सुखराज जी मोर्चे 'च काफ़ी सरगर्म रहे ने। बिल्कुल, मेरा मैं तुहानूं दस रिहा वी भरा सीगा साढ़े नाल पहले दिन तो 2015 तो असं कट्ठे चले हुए हैं, चाहे जथेबंदी की गल आ चाहे सिख मोर्चा की गल आ, तो हमेशा नाल रहिंदा पंथक दर्द रखने वाला वीर सीगा। सानू इस गल का जिहड़ा घाटा कदे नहीं पूरा होगा, पर मैं फिर यही कहूँगा भी हजे असी अपनी जिहड़ी इत्थों भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थोड़ा साडी आवाज़ चक्कण लई थोड़ा धन्नवाद आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਕਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਟੂ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।